जय हिंद दोस्तों तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आर्ट एंड कल्चर चैप्टर नंबर फिफ्टी फोर और इसको हमने देखा था कि वन सेवेंटी थ्री क्वेश्चन थे इसमें तो वी विल वी ट्राइंग टू कम्प्लीट इट इन थ्री वीडियोज़ और सिक्सटी सिक्सटी का स्लॉट बना के हम इसको कम्प्लीट कर लेंगे जिससे कि तीन वीडियोज़ में ये हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो जाए एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि एक दिन में ही इसको मैं अपलोड कर दूँ जिससे कि एक पूरा चैप्टर आप एक दिन में ये रिवाइज़ कर पाए बिकॉज आई नो सिर्फ यही नहीं है बाकी चैप बाकी सब्जेक्ट्स भी आप देख रहे हैं और uh, तो इसके लिए आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देख सकते हैं आपके लिए एक रिविज़न पैटर्न एक क्विक रिविज़न शुरू किया गया था जो कि हिस्ट्री uh, से और uh, अब बस ये अपनी समाप्ति पर है इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे एंड होपफुली uh, वो भी जल्दी सबसे बड़ा जो uh, हमारे पास uh, uh, जो uh, क्या बोल सकते हैं सब्जेक्ट था वो यही था और बाकी भी हैं बट इतना टाइम नहीं लेंगे वो एंड uh, ये कंप्लीट हुआ मतलब आधा घटना चक्र कंप्लीट <laughs> हो गया है हमारा सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स द ट्रेडिशन एंड द स्टेट ठीक है तो ट्रेडिशन है गट का ये एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है आ, ये कहाँ से है मधुबनी ये केरला से है तो नहीं गट का केरला से नहीं है गटका पंजाब से है बेसिकली गटका एक जो मार्शल आर्ट की फॉर्म है ये पंजाब से है ठीक है नॉट फ्रॉम केरला मधुबनी एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है आप सबको पता है मधुबनी जो है बहुत फेमस पेंटिंग फॉर्म है ये बिहार से है सही है सिंह खब आप सिंधु दर्शन फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर एक्चुअली उस समय ये सिंधु दर्शन फेस्टिवल और ये लद्दाख का होता था तो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए हैं बट ये क्वेश्चन जब था तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट हुआ करते थे तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर ठीक है फिर देखते हैं नेक्स्ट जी फिर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं गटका इज़ अ मार्शल आर्ट ऑफ पंजाब इन विच वुडन स्टिक्स लाठीज आर यूज टू सिमुलेट सोर्ड्स एंड इंस्पायरिंग मैचेज मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग एक यूनिक स्टाइल ऑफ़ पेंटिंग है जो कि प्रैक्टिस की जाती है मिथिला रीजन ऑफ नेपाल में एंड इन स्टेट्स ऑफ बिहार सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया विच इज़ हेल्ड एवरी ईयर और ये फुल मूनडे पे होता है गुरु पूर्णिमा पर इन द मंथ ऑफ जून और ये लेह लद्दाख में होता है आ, तो अब लद्दाख चुके अलग यूटी बन गया है आ, अपार्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर नेक्स्ट मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट विदाउट गिविंग अ सेकेंड थाट बिहार द वेल नोन पेंटिंग बनी बनीठणी बिलोंग्स टू तो देखिए बनी ठनी जो है वो किससे किस स्कूल ऑफ पेंटिंग को बिलोंग करती है तो ये किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग को बिलोंग करती है जो कि मारवाड़ स्कूल भी बोला जाता है ठीक है बनी बनीठणनी इसको इंडियन मोनालिसा भी बोलते हैं इन द कॉन्टेक्सट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अपोज इन डांस एंड ड्रोमैटिक्स कॉल्ड त्रिभंग जिसको पोर्ट्रे uh, uh, करते हैं कृष्ण जी भगवान कृष्ण हैज़ बीन अ फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फ्रॉम एशियन टाइम्स टुल टुडे विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस पोज ठीक है तो इसको बेस्ट कौन सा स्टेटमेंट um, इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है वन लेग इज बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड ठीक है आप इमेजिन कीजिए कृष्णा की मूर्ति फ्लूट बजाते हुए वो त्रिभंग पोजीशन है ठीक है तो आप देखेंगे कि उसमें एक लेग बेंड करते हैं दूसरा दूसरी साइड ऑपोजिट साइड में कर्व्ड होती है बॉडी और दोबारा से इसी तरह फ्लैट हो जाती है एट वेस्ट एंड नेक ठीक है तो ये जो है आप त्रिभंग मुद्रा को अगर आपको थ्योरेटिकली um, समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको इमेजिन कीजिए विद द कृष्णा इमेज और सो फेशियल नेक्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशन हैंड जेस्चर्स मेकअप ये कंबाइंड होते हैं नहीं ऐसा नहीं है तो त्रिभंगा या ट्राई बेंट मतलब तीन जगहों से बेंट होती है भंग

सी का सी सी आर टी को सेटअप किया गया था 1979 में एजुकेशनल और कल्चरल ट्रेनिंग के लिए दूसरा रीज़न इसका ये दे रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सी सी आर टी वॉज टू लिंक द एजुकेशन विद कल्चर ये भी बिल्कुल सही है दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है और आर इसका रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है सो so, इसको इस्टेब्लिश किया गया था श्रीमती कमला देवी जी के द्वारा कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड डॉक्टर कपिला वात्यान के द्वारा um, इट फंक्शंस एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सी सी आर टी इज कमिटमेंट लाइज टू होलिस्टिक एडुकेशन एंड कंपासिंग द कॉगनेटिव इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं और दूसरा इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड याद रखिएगा नॉट हेल्ड पूछ रहे हैं नासिक प्रयाग हरिद्वार और वाराणसी तो देखिए वाराणसी में नहीं होता है वाराणसी की जगह आप उज्जैन लगा लीजिए इन चार जगहों पर कुंभ मेला होता है कुंभ मेला एक मास हिंदू पिलग्रमेज है जिसमें कि हिंदूज जो होते हैं वो एक साथ होली रिवर में गैदर होते हैं और वहाँ पे एक डिप लेते हैं एक क्या बोलेंगे इसको डुबकी लगाते हैं इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग और ये हर इट इज़ हेल्ड एवरी थर्ड ईयर एट वन ऑफ़ द फोर प्लेसेस बाय रोटेशन हरिद्वार अलाहाबाद या प्रयाग नासिक एंड उज्जैन द कुंभ मेला इज़ हेल्ड एट ईच ऑफ दीज फोर प्लेसेस एवरी ट्वेल्थ ईयर ठीक है नेक्स्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स महाकुंभ इज हेल्ड तो महाकुंभ होता है बारह साल बाद कुंभ मेला ऑल्सो नोन एज पूर्ण कुंभ टेक्स प्लेस एवरी ट्वेल्थ ईयर एट फोर प्लेसेज अलाहाबाद ऑल्सो नोन एज प्रयाग हरिद्वार उज्जैन और नासिक कहाँ um, कहाँ होता है अगेन तो आप बस याद कर लीजिए चार जगह प्रयाग हरिद्वार उज्जैन नासिक और यही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करके जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मेला फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स कम तो कौन सा ऐसा मेला है उत्तर प्रदेश का जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आते हैं तो ये है नौचंदी मेला नौचंदी मेला हर हर साल होता है मेरठ में मेरठ यूपी दिस फेयर इज़ सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी विद द टेंपल ऑफ नौचंदी देवी एंड दरगाह ऑफ हज़रत बाले मियाँ सिटेड क्लोज टू ईच अदर एट द प्लेस ऑफ मेला ग्राउंड तो इसमें दोनों ही आते हैं इसमें देवी नौचंदी और हजरत बाले मियाँ जी की जो दरगाह है उसमें गैदरिंग होती है पितरा देवरा इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग पितरा देवरा क्या है तो अगर आपको याद हो हमने पहले भी डिस्कस किया था इतमादौला का जो टॉम टूम है आगरा में इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ आगरा उसमें पहली बार पित्रा देरा टेक्निक यूज हुई थी एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक ऑफ डेकोरेटिंग द वॉल्स ठीक है तो पित्रा देवरा क्या है पित्रा देवरा इज रिलेटेड एज डेकोरेटिंग देखिए बी पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी में ये क्वेश्चन आया है इट इज़ डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन तो कलर्ड पत्थरों से कलर्ड स्टोन से इसको डेकोरेट किया जाता है इसको परचीनकारी भी बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक मोजाइक आर्ट वर्क है जो कि फ्लरिश हुआ था फ्लोरेंस इटली में इन द लेट सिक्सटीथ एंड सेवनटीन सेंचुरी इसमें प्री सेमी प्रीशियस स्टोन्स को कट किया जाता है शेप्स में अलग अलग एंड उनको मोजाइक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है रिजल्टिंग डेकोरेटिव मोजाइक्स आर यूज प्राइमरली फॉर टेबल टॉप्स एंड वॉल पैनल्स राइट नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ट्रेडिशन एंड द कम्युनिटीज छलीहा साहिब फेस्टिवल नंदराज यात्रा uh, नंदराज जात यात्रा और वारी वरकारी है। तो य, ये बोल रहे हैं कि छलिया साहेब फेस्टिवल सिंधीज का होता है तो हाँ ये सही है ये सिंधीज का होता है नंदराज जाट यात्रा ये गोंड्स की होती है नहीं जी ये गोंड की नहीं होती है नंदराज जाट यात्रा उत्तराखंड में होती है ठीक है और नंदा देवी जो हैं, जो कि पार्वती जी का अवतार हैं उनके लिए की जाती है ठीक है तो गोंड ट्राइब से रिलेटेड नहीं है कहने का मतलब ये कि उत्तराखंड में ये सेलिब्रेट होती है वारी वरकारी ये संथाल्स का है नहीं जी बारी वरकारी जो है वो महाराष्ट्र में होता है पंडारपुर में और ये विठल आ, या बोल सकते हैं आप विठोबा जो हैं उनके लिए होता है तो संथाल्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो पहला वाला सही है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका छलिया साहेब फेस्टिवल एक 40 दिन का फेस्टिवल होता है सेलिब्रेटेड बाय सिंधु कम्युनिटी एनुअली हर साल होता है जुलाई अगस्त के मंथ में होता है ये अभी रिसेंटली हुआ होगा नंदराज चार्ट यात्रा इज़ अ थ्री वीक लॉन्ग पिलग्रमेज ये तीन हफ्तों का पिलग्रमेज होता है अराउंड ट्वेंटी वन डेज एंड कहाँ पर होता है उत्तराखंड में होता है बारह साल में एक बार होता है एनुअली नहीं होता ये और पिलग्रमेज इज बिलीव टू बी सिम्बॉलिक ऑफ द डी नंदा देवी जो कि पार्वती जी का अवतार है उनकी जर्नी उनकी यात्रा निकलती है फ्रॉम हर मेटर्नल होम अपने मायके से लेकर उनके हस्बेंड जो कि भगवान शिव थे कैलाश तक तो ये गौन ट्राइब्स एसोसिएटेड नहीं है नेक्स्ट इज वारी या वारी भी वी आर आई भी बोलते हैं ये एक एनुअल पिलग्रमेज है और ये पंडारपुर का है महाराष्ट्र द सीट ऑफ हिंदू गॉड विठोबा विठोडा नहीं होगा विठोबा होना चाहिए यहाँ पर इन दिन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द ऑनर ऑफ द डीटी द ट्रेडिशन इज मोर देन 700 हंड्रेड टू एट हंड्रेड ईयर्स ओल्ड ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है पालकी या पैलिक्विन प्रोसेशन मतलब पालकी लेके जाई जाती है जिसमें कि पादुका होते हैं एक चरण पादुकाएँ जो होती हैं फुटप्रिंट्स होते हैं है, बहुत सारे संत के मोस्ट नोटेबली ध्यानेश्वर और तुकाराम जी के जो कि बरकारी सेक्ट से बिलोंग करते थे जो कि वारी करते थे आर टेकन फ्राम द रिस्पेक्टिव श्राइन्स और अपने उनके श्राइन से इनकी पादुकाओं को पालकी में रख के बंडारपुर लेके जाया जाता है और वारी वरकारी जो है वो संथाल से रिलेटेड नहीं है नेक्स्ट लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है बिहू असम का नृत्य है सही है ओणम केरला में सेलिब्रेट होता है बिल्कुल सही है पोंगल तमिलनाडु का है सही है वैसाखी पंजाब का है तो ये सारे सही मैच है वन टू थ्री फोर इसका आंसर होगा बीहू तीन बार होता है साल में ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इन ऑटम सीजन ओनम हार्वेस्टिंग के टाइम पे होता है पोंगल um, जनवरी के महीने में होता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे और बैसाखी पंजाब में होता है ओनम कहाँ का फेस्टिवल है अगेन केरला का है बीहू इज अ फोक डांस असम का है um, ये जो डांस uh, है बीहू इस इज़ परफॉर्म बाय बोथ यंग मैन एंड वमेन है और ये ब्रिस्क डांस स्टेप्स होते हैं इसमें रैपिड हैंड मूवमेंट मतलब बहुत फास्ट डांस होता है ये पोंगल इज़ द फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु देखिए ओनम और पोंगल में कंफ्यूज होते हैं याद कर लीजिए जो भी आपको इसके कोर्स बनाने बनाइए बट आप याद कीजिए ओनम जो है वो केरला का है और पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है ठीक है मकर संक्रांति जो हम नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन तमिल पीपल जो है वो पोंगल सेलिब्रेट करते हैं ओनम इज एसोसिएटेड विथ ओनम किस से एसोसिएटेड है वो है महाबली से एसोसिएटेड और ये केरला का फेस्टिवल है हार्वेस्ट फेस्टिवल है तो और पॉपुलर एक लेजेंड एक पॉपुलर स्टोरी के हिसाब से द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम किंग महाबली जिनकी स्पिरिट बोला जाता है वो केरला आती है एट द टाइम ऑफ ओनम। अथपू अथापू इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल देखिए अथप्पू जो है ये रिलेटेड है ओनम से ठीक है पोकलम भी बोलते हैं इसको अथप्पू को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पुकलम Uh, ये एक इंटीग्रेट फ्लोरल मैट होती है फूलों की चादर जैसी बिछाई जाती है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट यार्ड बाई मेडन्स ऑफ द हाउस ड्यूरिंग ओनम फेस्टिवल ठीक है तो अथपो क्या है अथपो एक फूलों की पूरी एक मैट uh, um, बिछाई जाती है ट्रेडिशनल फोक ड्रामा भांड पाथेर इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट देखिए भांड पाथेर जो है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है ये पॉपुलर फोक थिएटर है जम्मू कश्मीर का uh, भांड का मतलब होता है फॉर स्टैंड फॉर जस्टर जबकि पाथेर का मतलब होता है ड्रामा तो ये एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद कम्युनिटी ऑफ भांड्स और फोक थिएटर एक्टर्स थ्रू देर एक्ट दे परफॉर्म द पेटल रोल ऑफ लैम्पुनिंग एंटी सोशल एंड करप्ट प्रैक्टिस तो जो डेली लाइफ में जो भी एंटी सोशल या करप्ट प्रटिसज होती हैं उसको ये नकारते हैं इस ड्रामा के माध्यम से भांड पाथेर तमाशा तमाशा कहाँ का म्यूजिकल थिएटर है ये है महाराष्ट्र का ठीक है तो तमाशा कौन तमाशा कौन कर रहा है महाराष्ट्र में हो रहा है um, मराठी फोक आर्ट है इसमें डांसिंग और सिंगिंग दोनों ही फॉर्म्स होती हैं नौटंकी आप करें देखेंगे तो नौटंकी कहाँ हो रही है नोटंकी यूपी में हो रही तमाशा और नौटंकी में कन्फ्यूज़न होता है इसलिए याद रखिएगा तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का है और नौटंकी जो है वो यूपी की है तो ये वाइडली परफॉर्म किया जाता है थिएटर ग्रुप्स के द्वारा विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नेक्स्ट इज़ लिस्ट वन विद लिस्ट टू फोक सॉन्ग ओकेजन ऑफ सिंगिंग चैती कजरी रसिया सोहर तो देखिए चैती जो होती है वो चैत किस सीज़न में हो गाए जाते हैं सीजनल संगीत है सीजनल म्यूज़िक है या सीजनल सॉन्ग बोल सकते हैं गीत बोल सकते हैं कजरी होता है कजरी बेसिकली शादियों के अवसर पर गाते हैं विवाह और सीजनल गीत है ये आ, रसिया रसिया तो आप नाम से समझ रहे हैं कि ब्रज लोक गीत होना चाहिए रसिया और सोहर सोहर जो होता है वो संस्कार गीत होता है नेम द होली प्लेस इन विच द मेन गॉड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर अदर थ्री ओके तो आपको वो जगह बतानी है जहाँ बाकी जगहों की डीटी नहीं है अमरनाथ जगन्नाथ केदारनाथ विश्वनाथ देखिए अमरनाथ केदारनाथ विश्वनाथ यहाँ पर कौन से भगवान विराजमान है भगवान शिव जबकि जगन्नाथ में भगवान विष्णु विराजमान है फोर मठ आदि शंकराचार्य आदिशंकराचार्य आदिशंकराचार्य जी के द्वारा इस्टैब्बलिश चार मठों का क्या नाम है कहाँ कहाँ स्टैब्लिश किए थे जोशी मठ द्वारका पुरी और श्रृंगेरी ठीक है तो आदि शंकराचार्य एक बहुत ही नोटेबल फिलोसोफर थे एज वेल एज सेवेंट ऑफ इंडिया ही इस्टैब्लिश फोर पीठ और मठ इन फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया द फोर मठ इस्टबलिश्ड बाय हिम आर ज्योतिर्मठ और जोशी मठ इन द नॉर्थ गोवर्धन मठ इन पुरी ईस्ट द्वारका पीठ इन द्वारका एंड श्रृंगेरी शारदा पीठम इन श्रृंगेरी साउथ में इन इंडिया मेनी पिलग्रिम्स ट्रेवल टू श्री सेलम विच इज़ वन ऑफ द ट्वेल्व ज्योतिर्लिंग्स तो श्री सेलम कहाँ पर है ये पूछ रहे हैं तो देखिए श्री सेलम जो है वो आंध्र प्रदेश में है ओके okay. तो ये आंध्र प्रदेश में है नियर कुरनूल नाम से उत्तरांचल आप एलिमिनेट कर सकते हैं इन तमिलनाडु नियर अरुणाचल इन केरला नियर कलाडी देखिए आंध्र प्रदेश में है ये इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर कृष्णा रिवर तो श्री सेलम जो है वो आ, कृष्णा नदी के किनारे है और बारह ज्योतिर्लिंग्स में से एक है इन विच स्टेट इज बुद्धिस्ट साइट टैबो मुनेस्ट्री इज लोकेटेड देखिए टैबो मुनेस्ट्री बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मुनेस्ट्री है ये कहाँ लोकेटेड है ये हिमाचल में लोकेटेड है इन द स्पीति वैली सो टैबो मनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश इसका uh, इसको खोजा गया था 996 नाइन्टी सिक्स में इन द तिब्बतन ईयर ऑफ फायर एप बाय द तिब्बतन बुद्धिस्ट रिंच इन जेंगपो लोसुंग इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो लोसुंग कहाँ सेलिब्रेट होता है देखिए सिक्किम में होता है ठीक है लोसुंग एक पॉपुलर फेस्टिवल है सिक्किम का यूजली ये टेंथ टिबल लूनर मंथ जो डिसम्बर जिसको हम ग्रेकोरियन कैलेंडर के हिसाब से बोलते हैं तब ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है भूटिया के लिए एंड इज़ मार्क् बाय द ट्रेडिशनल छान डांसिंग एंड मैरी मेकिंग नेक्स्ट इज वांगला वांगला फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है मेघालय में वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय बाय गारो ट्राइब ठीक है तो गारो ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है वांगला फेस्टिवल को इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसको फेस्टिवल ऑफ द हंड्रेड ड्रम्स भी बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ द हंड्रेड ड्रम्स इन दिस पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल मीसी सलजोंग द सन गॉड इज थैंक फॉर ब्लेसिंग पीपल विद अ रिच हार्वेस्ट ठीक है तो इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है इसको ऑफ़ हंड्रेड हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ हंड्रेड ड्रम्स भी बोलते हैं और मीसी सलजोंग द सन गॉड इनको वर्शिप किया जाता है फॉर ब्लेसिंग पीपल विद अ रिच हार्वेस्ट देखिए ज़्यादातर जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हार्वेस्ट फेस्टिवल ही होते हैं इनिशियली क्या होता था नेचर की पूजा होती थी जब भी आम, अच्छी फसल हो रही है तो उसके लिए भगवान को हम थैंक्स करते थे अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से थैंक्स किया जाता जो अनाज जहाँ ज़्यादा उग रहा है उसकी पूजा होती थी जैसे मकर संक्रांति पे खिचड़ी खाते हैं तो नया चावल आता है उस समय ठीक है तो हम थैंक अब तो बेसिकली उनके मीनिंग खत्म हो गए अब एक रिचुअल टाइप का हो गया कि बस आपने खिचड़ी बनाई खा ली या आई थिंक बिहार में दही चूड़ा चलता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें चलती हैं तो अभी तो ये सिंपली एक एक रिचुअल हो गया जिसका शायद मीनिंग भी पीछे लोगों को अब नए आ, लोगों को नहीं पता है खासकर जो हमारे छोटे बच्चों को नहीं पता है बट पहले क्या होता था हमेशा एक थैंक्स गिविंग सेरेमनी होती थी वो दिल से थैंक्स करते थे क्योंकि तब ज़्यादातर एग्रीकल्चरल लोग होते थे ज़्यादातर लोग खेती करते थे तो वो अपनी अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते थे तो अलग अलग जगहों पे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे वांगला फेस्टिवल जो है मेघालय में हो रहा है अभी हमने देखा ओणम था पोंगल है मकर संक्रांति है बैसाखी है ये सब कहीं ना कहीं हार्वेस्ट फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं नेक्स्ट चापचर कूट इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तो चापचर कूट जो है वो मिजोरम में देखिए ज़्यादातर आप ध्यान देंगे अगर आप अपनी थियरी बुक पढ़ेंगे तो कूट जिसमें पीछे लगा हुआ है वर्ड वो ज्यादातर मैं बोल रही हूँ नॉट हंड्रेड परसेंट बट मेनली ये मिजोरम के होते हैं तो ये स्टेट ऑफ मिज़ोरम में होता है मार्च में इसको सेलिब्रेट करते हैं इज्तिमा फेस्टिवल या मेला जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड इन तो इज्तिमा मनाया जाता है भोपाल में uh, मुस्लिम फेस्टिवल है भोपाल में सेलिब्रेट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैस्ड हिस्टोरिकल या फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड प्लेसेस और रीजन तो देखिए 2021 का क्वेश्चन है क्या पूछ रहे हैं ये इज़ नॉट करेक्टली मैच विहार मेला बुंदेलखंड में होता है बटेश्वर मेला वेस्टर्न रीजन में होता है बटेश्वर बटेश्वर जो गांव है वो फेमस इसलिए भी है कि यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था बलदेव छठ मेला ये पूर्वांचल में नहीं होता है देखते हैं कहाँ होता है और शुक्रताल मेला ये मुजफ्फरनगर में होता है यूपी ठीक है तो बटेश्वर हो गया वेस्टर्न रीजन विहार मेला बुंदेलखंड शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर बलदेव छठ मेला जो है वो पूर्वांचल में नहीं होता है ये होता है इन द पलवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन द प्रमाइसिस ऑफ टेम्पल ऑफ बलदेव जी इन पलवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा नवरात्रि नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड एज सरस्वती पूजा इन द फॉलोइंग स्टेट तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है इनमें से किस स्टेट में तो देखिए सारे ही स्टेट में किया जाता है जे ये चारों जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं केरला कर्नाटका तमिलनाडु तेलंगाना इन सब में ही सरस्वती पूजा के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन तमिलनाडु फर्स्ट थ्री डेज ऑफ फेस्टिवल्स आर डेडिकेटेड टू तमिलनाडु में जो पहले तीन दिन होते हैं वो गॉडेस लक्ष्मी के लिए होते हैं नेक्स्ट थ्री डेज गॉडेस दुर्गा के लिए होते हैं और बचे हुए थ्री डेज सरस्वती जी के लिए होते हैं ठीक <coughs> है तो आ, लक्ष्मी दुर्गा और सरस्वती केरला में महानवमी को सरस्वती पूजा के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है सिमिलरली तेलंगाना और कर्नाटका में भी होता है आ, लेकिन आयोग ने यू पी ने केरला आंसर माना था इसका हु वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ़ अर्जुन द हीरो ऑफ महाभारत तो अर्जुन के ग्रैंड फादर का नाम पूछ रहे हैं देखिए अर्जुन के फादर का नाम तो पांडू था राजा पांडू जिनकी मृत्यु हो गई थी जल्दी और उनके आ, पिताजी का नाम था विचित्रवीर ठीक है तो विचित्रवीर वीर वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ़ अर्जुन हु हैड टू सन्स पांडु एंड ध्रिताश अर्जुन जो थे वो पांडु के पुत्र थे हु वॉट इज़ काबा काबा क्या है तो काबा एक मुस्लिम श्राइन है आपने सुना होगा काबा जाना है तो काबा जो है वो एक मुस्लिम श्राइन है क्यूबर्ड शेप बिल्डिंग है जो कि मक्का में है सऊदी अरेबिया में और ये होलियस्ट प्लेस है मुस्लिम्स की अकॉर्डिंग टू कुरान काबा वॉज फाउंडेड बाई इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल के द्वारा और जितने भी मुस्लिम्स हैं दुनिया के जब वो नमाज पढ़ते हैं तो वो काबा की तरफ फेस करते हैं ठीक है द वर्ल्ड फेस टूवर्ड्स काबा नेक्स्ट वॉट इज द ज्यूस प्लेस ऑफ वर्शिप कॉल्ड तो जूस प्लेस ऑफ वर्शिप को सिनेगॉग बोलते हैं वेयर वॉज द फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी चेयर चेयरिश्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी चेयर पहली जो है वो स्टैब्लिश की गई थी फ्रांस में और कब की गई थी 1814 में 1814 एट द फेमस पेरिस यूनिवर्सिटी फर्स्ट संस्कृत चेयर वो स्टैब्लिश कॉलेज डी फ्रांस इन 1814 द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपस इज़ फाउंड इन अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपस कहाँ से मिलता है ये मिलता है जमायुल हिकायत से ठीक है जवामियुल हिकायत से हिकायत तो किसने लिखी है इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है तो so, हिकायत से आपको सबसे पुराना रेफरेंस मिलता है मैग्नेटिक कंपस का विच ऑफ लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है फेमस तो टेम्पल और स्टेट ठीक है तो विद्याशंकर टेम्पल राज रानी टेम्पल देखिए राज रानी टेम्पल जो है वो तो है उड़ीसा में कंदड़िया महादेव मध्य प्रदेश में है है ना um, और भीमेश्वर भीम भीमेश्वर टेम्पल भीमेश्वर टेम्पल राज रानी इज इन उड़ीसा कंदरिया महादेव इज इन मध्य प्रदेश ये दो तो श्योर हैं बी का फोर सी का थ्री बी फोर सी थ्री ये दो में आ रहा है बी फोर सी थ्री बी फोर सी थ्री आंसर तो गया विद्याशंकर टेम्पल है कर्नाटका में और भीमेश्वर टेम्पल है आंध्रा में तो विद्याशंकर हो गया कर्नाटका भीमेश्वर हो गया आंध्रा राजरानी रानी टेम्पल उड़ीसा कंदरिया महादेव टेम्पल मध्य प्रदेश नेक्स्ट द माइटी गेटवेज एट द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया तो जो बड़े बड़े गेटवेज है हमने डिस्कस किया था जब हमने विजयनगर एम्पायर पढ़ा था अगर आपको याद हो तो कि जो बड़े बड़े गेट्स बनाओ जिसका जितना बड़ा गेट है मतलब उसके पास उतनी ही वेल्थ है ये वेल्थ दिखाने का भी एक तरीका होता था और साथ ही साथ जो बाहर के आक्रमण है उनसे तो रक्षा हो ही रही है और साथ ही साथ ये वेल्थ दिखाने का भी एक तरीका होता था तो जितने भी जितना बड़ा उतना ही बड़ा आपका राज्य है तो ये इनको बोला जाता था गोपुरम्स ठीक है गोपुरम्स दीज गेट्स यूजली ऑर्डनेट शो ग्रेट क्राफ्टमैनशिप ऑफ ड्रिविडियन आर्किटेक्चर विच ऑफ़ द फॉलिंग टेम्पल्स इज नोन एज द खजुराहो ऑफ विदर्भ विदर्भ का खजुराहो बोलते हैं मारकंडेश्वर टेम्पल को मारकंडेश्वर टेंपल वैनगंगा नदी के किनारे हैं गढ़चुर गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में इसको खजुराहो ऑफ विदर्भ भी बोला जाता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खजुराहो ऑफ विदर्भ मारकंडेश्वर टेम्पल ये नागर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आता है दिस टेम्पल इज रिलेटेड टू तो शैव वैष्णव एंड शक्ति तीनों को ही डिनोट करता है ये शैव भी हैं वैष्णव भी और शक्ति भी हैं

दिस इज़ अटमोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ठीक है मितावली पड़ावली दो जगह हैं और ये जो चौंसठ हो गई की बात कर रहे हैं उसी जगह की बात कर रहे हैं तो अब इसमें से ये स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छअपगत घाट डेनेस्टी बिल्कुल सही है ये इट इज़ अ ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया नहीं ओनली नहीं है और भी हैं ठीक है और इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट नहीं आप जाएंगे देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे शिवलिंग्स रखी हुई कुछ कुछ जगह हैं कुछ कुछ जगह नहीं भी हैं या खंडित भी हैं तो शिवलिंग है इसमें शिव की पूजा होती है और इट्स डिज़ाइन हैज़ गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीव दैट इट वॉज द इंस्परेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग जी बिल्कुल माना जाता है कि इसी जगह इसी जगह से इंडियन जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका एक uh, Uh, उसको तैयार कर मतलब उसको तैयार किया गया था तो ये भी बिलीफ सही माना जाता है हालांकि uh, इसके प्रूविंग इनफैक्ट्स हर जगह नहीं देते हैं, बट हाँ ये माना जाता है कि इसी की डिज़ाइन से इंस्पायर होकर इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई थी ठीक है तो चौंसठ योगिनी टेम्पल जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है ग्वालियर के पास है और 40 किलोमीटर्स भी नहीं है एग्जैक्टली exactly, ये ग्वालियर से सो अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन डेटेड थर्टीन ट्वेंटी थ्री सी विक्रम संवत थर्टीन एटी थ्री टेम्पल जो है वो कच्चपघाट किंग देवपाल ने बनवाया था एक हज़ार पचपन से एक हज़ार पिचहत्तर वन जीरो फाइव फाइव टू वन जीरो सेवन फाइव ए डी में और स्टेटमेंट वन इसलिए करेक्ट हो जाता है इसकी यूनिकनेस ये है कि इसका सर्कुलर शेप जो है वो पॉपुलरली माना जाता है टू हैव द इंस्पायर द डिज़ाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट द सर्कुलर शेप इज लाइकली टू हैव रिप्रेजेंटेड अ श्री यंत्र जिसमें कि योगिनीस रहती थी विद द सुप्रीम योगिनी और महाशक्ति रिसाइडिंग इन द सेंटर और बीच में इसमें एक श्राइन भी है आप अगर विजिट किया हो या आपके फोटोज़ देखिएगा आसपास भी हैं एक राउंड शेप में और बीच में भी एक श्राइन है और माना जाता था कि महाशक्ति यहाँ पे रिसाइड करती थी सेंटर में रिप्रेजेंटिंग बाय द सर्कुलर सेंट्रल मेन श्राइन और बट ये इकलौता सर्कुलर टेम्पल नहीं है इंडिया में स्टेटमेंट टू और थ्री इनकरेक्ट हो जाते हैं वैष्णव कल्ट के लिए नहीं थे बेसिकली तंत्र या फिर शैव शक्ति के लिए था महाशक्ति के लिए था हेंस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर विद रेफरेंस टू टेम्पल ऑफ भितरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट ये बनाया गया था पाँचवीं शताब्दी में फिफ्थ सेंचुरी ए डी टू तो सिक्स सेंचुरी ए डी में सही है इट इज़ वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल्स ऑफ इंडिया याद रखिएगा ईंटों से बना हुआ वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट टेम्पल है ये भितरगांव टेम्पल कानपुर तो ये भी सही है दोनों ही स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्रिक टेम्पल जो कि सर्वाइव कर रहा है गुप्ता एम्पायर के टाइम से विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स फेमस श्राइन एंड लोकेशन टैबो मोनेस्ट्री टैबो मोनेस्ट्री अभी हमने देखा था कहाँ पर है स्पीति वैली में थी uh, लोत्सव लाखलांग टेम्पल नाको सा वैली गलत है आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख देखते हैं uh, लोत्सव लाखलांग कहाँ पर है पहली बात तो ये कि इसमें आंसर हो जाएगा वन और थ्री ये सही है ये सही ये सही नहीं है टैबो मिनिस्ट्री इज लोकेटेड इन द टैबो विलेज ऑफ स्पीति विलेज वैली हिमाचल प्रदेश जास्कर वैली इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ लद्दाख ऑफ जम्मू कश्मीर लोत्सव लाखलांग जो टेम्पल है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है तो वो भी हिमाचल में ही है एंड विद वाइल आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो लद्दाख जम्मू कश्मीर में है सॉरी अब लद्दाख ही अलग हो गया

त्रिभुवन नारायण टेम्पल ऑफ चित्तौड़ जो बनाया गया था वो परमार राजा भोज के द्वारा बनाया गया था त्रिभुवन नारायण टेम्पल वॉज बिल्ट बाय परमार राजा भोज ये प्रेजेंट डे समाधेश्वर टेम्पल बोला जाता इसको। ए, आ, है इसको समाधीश्वर टेम्पल एक ये लोकेटेड है चित्तौड़ फोर्ट राजस्थान में और शिव जी को डेडिकेटेड है ये समाधीश्वर टेम्पल या फिर त्रिभुवन नारायण टेम्पल हु इज़ कॉल्ड एज समाधीश्वर दैट इज़ लॉर्ड ऑफ समाधि एपिग्राफिक

सूफी कलाम सूफ़ी कलाम एक तरीके का डिवोशनल म्यूज़िक है ये इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेट तो ये कश्मीर का कैरेक्टरिस्टिक है अकॉर्डिंग टू मेमानसा सिस्टम ऑफ फिलासफ़ी लिब्रेशन इज़ पॉसिबल बाई मीन्स ऑफ तो मेमानसा स्कूल ऑफ थाट जो था उसके हिसाब से लिब्रेशन जो है जो मुक्ति है वो कैसे पॉसिबल है तो वो कर्म के माध्यम से पॉसिबल है मेमानसा जो थे वो कर्म पे प्रधान थे वो कर्म पे बिलीव करते थे तो वो बोलते थे कि कर्म से लिब्रेशन पॉसिबल है जागर जागर इज अ फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप रिचुअल प्रेविलेंट इन तो जागर कहाँ पर प्रेविलेंट है जागर होती है उत्तराखंड में जागर इज़ अ फॉर्म ऑफ इंसिस्टर स्पिरिट वर्शिप प्रैक्टिस इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड कुमाऊं एज़ वेल एज गढ़वाल इट इज़ मीडियम और वे इन विच गॉड्स एंड लोकल डीटीज आर कॉल्ड और इन ठीक है तो ये एक तरीके का माध्यम होता है जिसमें वहाँ के जो लोकल देवता देवी देवता होते हैं उनको बुलाया जाता है अपने डोमिन स्टेज से और उनसे फेवर्स मांगे जाते हैं उनसे रेमेडीज मांगी जाती हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए वेयर इज रथ यात्रा फेस्टिवल हेल्ड तो रथ यात्रा कहाँ होता है पुरी में होता है बहुत फेमस फेस्टिवल है सबको पता है इसके बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैस्ड मधुमिता राउत ओडीसी डांसर इंद्रा चक्रवर्ती न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट मीरा भाटिया ज्यूरिस्ट नॉट करेक्टली मैच हमें बताना है साध्वी साधवा साधना होम मेकर डॉक्टर तो देखिए साध्वी साधना ये एक जैन संत थी वाइल इंदिरा चक्रवर्ती एक फेमस डॉक्टर हैं हु ऑल्सो द डायरेक्टर एंड डीन ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ एंड मधुमिता राउत जो हैं वो एक फेमस उडीसी डांसर हैं ये सही है मीरा भाटिया एक ज्यूरिस्ट हैं तो साध्वी साधना जो हैं वो एक जैन संत हैं मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स लिस्ट वन में पर्सन है लिस्ट टू में उनको जाना जाता है तो भजन सोपुरी बिरजू महाराज प्रियदर्शनी गोविंद टीपी टीवी गोपालन तो देखिए भजन सोपुरी जो है वो भरतनाट्यम डांसर हैं बिरजू महाराज बिरजू महाराज कथक डांसर हैं प्रियदर्शनी गोविंद और टीवी गोपाल कृष्णन ठीक है तो प्रियदर्शनी गोविंद जो हैं देखिए भजन सोपुरी आई थिंक संतूर के हैं राइट क्योंकि प्रिय गोविंद भी भरतनाट्यम डांसर हैं मैं कुछ तो गलत किया वन वन भजन सोपुरी संतूर बिरजू महाराज कथक डांसर प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम डांसर और टी वी गोपाल कृष्णन मृदंगम मेस्ट्रो देखिए हाँ सही है भजन सोपरी जो थे वो उनका जन्म श्रीनगर में हुआ था इंटर फैमिली ऑफ म्यूजिशियन ऑफ द फैबल सुफियाना घराना ऑफ कश्मीर एक्सक्लूसिव ट्रेडिशनल संतूर फैमिली थी पंडित बिरजू बिरजू महाराज कथक डांसर थे लखनऊ कालका के एक्सपे थे बिना बिंदा दीन घराना ऑफ कथक डांस इन इंडिया इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है पद्मभूषण मिला है कालिदास सम्मान नित्य चूड़ामणि आन्ध्ररत्न नित्य व्यास आधारशिला शिखर सम्मान और राजीव गांधी पीस प्राइज़ भी मिला है प्रियदर्शनी गोविंद जो हैं वो फॉरमोस्ट भरतनाट्यम डांसर हैं ऑफ़ द दरेंट जनरेशन एंड टी वी गोपाल कृष्णन ये आर्टिस्ट हैं मृदंग के अल्लाह रखा द फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इज़ रिलेटेड विद तो अल्लाह रखा खान जो है ये तबला से रिलेटेड है उस्ताद अल्ला रखा कुरेशी पॉपुलरली नोन एज अल्ला रखा ये एक इंडियन तबला प्लेयर है और उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के ये पिताजी थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड नॉट करेक्टली मैच बताना है आपको देबू चौधरी अमजद अली खान सरोद देबू चौधरी सितार पन्ना लाल घोष तबला यहूदी मेविन आम, वायलिन यहूदी मैनुइन वायलिन ठीक है देखिए पन्नालाल घोष तो बांसुरी वादक थे ओके बाकी देबू चौधरी सितार अमजद अली खान सरोद यूदी मैमिन वायलिन ये सही है ठीक है पन्ना लाल घोष जो है वो देख लेते हैं पंडित देवव्रत चौधरी इज़ अ सितार प्लेयर अमजद अली खान इज़ एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन म्यूजिशियन जो कि सरोद प्ले करते हैं यहूदी मेनविन एक अमेरिकन बॉर्न वायलिनिस्ट हैं जबकि पन्ना लाल घोष जो हैं वो एक बांग्लादेशी डिसेंट इंडियन फ्लूट प्लेयर हैं तबला प्लेयर नहीं है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपोजर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देयर वर्क्स ऑन द महाभारत थीम इज करेक्टली मैच्ड, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपोजर्स इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड द वर्क्स ऑन महाभारत थीम इज करेक्टली मैच्ड, तो इसका आंसर है पंपा कन्नड़ ओके सो विक्रम अर्जुन ए विजय कंपोज्ड बाय पंपा इज द कन्नड़ वर्जन ऑफ महाभारत तो ये कन्नड़ वर्जन है महाभारत का विक्रम अर्जुन विजय द फर्स्ट राइटर टू यूज़ उर्दू एज़ अ मीडियम ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन वॉज तो पहले राइटर कौन थे अमीर खसरो जी थे um, उन्होंने बहुत सारे वर्सेस कंपाइल किए थे इनको ओरिजिनेटर ऑफ कवाली भी बोला जाता है राधा गोविंद संगीत सारो क्लासिकल दिन क्लासिकल म्यूजिक कॉम्पोजिशन इज द क्रिएशन ऑफ राधा गोविंद संगीत सार ये सवाई प्रताप सिंह जी का है महाराजा सवाई प्रताप सिंह रिनोड क्लासिकल म्यूजिक कंपोजिशन इज द क्रिएशन ऑफ महाराजा सवाई प्रताप सिंह क्या है राधा गोविंद संगीत सार ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह हु इज फेमस सिंगर ऑफ भार भरथरी गायन भरथरी गायन की फेमस सिंगर कौन है सुरूज बाई खांडे सुरूज बाई खांडे भरथरी गायन विद रेफरेंस टू ध्रुपद वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशन्स ऑफ इंडिया दैट हैज बिन कैप्ट लाइफ फॉर सेंचुरीज क्या सही स्टेटमेंट है वो बताना है आपको ध्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन राजपूत किंगडम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड नहीं ध्रुपद इज अ प्राइमरी प्राइमरीली अ डिवोशन एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक सही है ध्रुपद अलाप यूज संस्कृत सिलेबल्स फ्रॉम मंत्रास ये भी सही है ध्रुपद इज द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दैट ट्रेसिस इट्स ओरिजिन टू द चैटिंग ऑफ वेदिक हिम्स एंड मंत्रास ये ओरिजिनेट हुआ था बाय द किंग ऑफ ग्वालियर मानसिंह तोमर फोर्टीन एटी सिक्स से फिफ्टीन सिक्सटीन तक ये रहे हैं ध्रुपद जो था इट वॉज ओरिजिनेटेड वे बैक बिफोर मुगल पीरियड तो मुगल पीरियड से पहले ही स्टार्ट हो गया था देखिए आप अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है तो हमने पढ़ा था मुगल पीरियड स्टार्ट होता है पंद्रह सौ छब्बीस से जब बाबर का पहला युद्ध हुआ था ठीक है पानीपत का ठीक है hence, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है इट ऑल्सो प्राइमरली फॉर्म ऑफ वर्शिप इन विच ऑफरिंग्स आर मेड टू द डिवाइन थ्रू साउंड ये भी सही है ध्रुपद इज परफॉर्म इन टू पार्ट्स अलाप एंड बंदिश इन um, अलाप सिंगर यूज सिलेबल्स फ्रॉम संस्कृत मंत्रास ओके नेक्स्ट इज द ब्रदर्स उमाकांत एंड रमाकांत गुंडेचा ये कौन है तो ये ध्रुपद वोकलिस्ट है उमाकांत गुंडेचा और रमाकांत गुंडेचा ये ध्रुपद वोकलिस्ट हैं नोन एज द गुंडेचा ब्रदर्स आर लीडिंग डागरवाणी ध्रुपद सिंगर्स एंड uh, गुंडेचा ब्रदर्स वर बोर्न इन उज्जैन इनटू अ जैन फैमिली तो ये गुंडेचा ब्रदर्स जो थे वो जैन फैमिली में को बिलोंग करते थे और डागरवाणी uh, ध्रुपद सिंगर्स थे ध्रुपद वोकलिस्ट द ऑथर ऑफ राग कल्प कल्पाद्रुम ऑथर ऑफ राग कल्पाद्रुम ये कौन है तो ये है कृष्णानंद व्यास राग कल्पाद्रुम के ऑथर है कृष्णानंद व्यास अर्ली इन द मॉर्निंग इज ठीक है तो सुबह सुबह कौन सा राग गाया जाता है तो तोड़ी तोड़ी मतलब नींद तोड़ी तो तोड़ी डांस ऐसे सॉरी तोड़ी गायन आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इससे नींद टूटती है सो so, तोड़ी राग तोड़ी इज द संघ ड्यूरिंग द मॉर्निंग वाइल राग दरबारी जो होता है वो रात में गाया जाता है रात में दरबार लगता है तो रात में गाते हैं ठीक है और राग भोपाली इवनिंग में होता है और भीम पलासी आफ्टरनून में तो सुबह शाम रात दिन के हो गए सुबह सुबह तोड़ी का उसके बाद आफ्टरनून में भीम पलासी शाम को भोपाली और रात को राग दरबारी तो ये हमने सिक्सटी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर सिक्सटी और उसके बाद हम इसको दो वीडियोस और लेकर आएंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे ठीक है टिल देन कीप रिवाइजिंग कीप स्टडिंग जय हिंद जय भारत